महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार में 3 दर्जन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री और आदित्य ठाकरे कैबिनेट मंत्री बने। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। घने कोहरे की चपेट में आज पूरा दिल्ली NCR। कोहरे के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से 16 फ्लाइट्स डाइवर्ट, 4 फ्लाइट्स कैंसिल, 30 ट्रेनें भी लेट। मौसम विभाग ने 8 राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया। यूपी में ठंड से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत। कोहरे के चलते ग्रेटर नोएडा में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, 5 घायल। ठंड के चलते यूपी के कई स्कूलों में छुट्टी। दुष्यंत कुमार की पुण्यतिथि पर प्रियंका गांधी का कविता के जरिए केंद्र सरकार पर हमला। कहा सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जेडीयू को बीजेपी से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए। नौसेना ने जासूसी रोकने के लिए कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाया। नेवी बेस, डॉकयार्ड और शिप पर स्मार्टफोन बैन। SBI ने होम लोन पर ब्याज दर 0.25% घटाई। 1 जनवरी से नए ग्राहकों के लिए इंटरेस्ट रेट 7.90% होगी। और DDCA की सालाना बैठक में दो पक्षों में जमकर मारपीट। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली से मामले पर संज्ञान लेने और DDCA को तत्काल भंग करने को कहा।